हाइब्रिड इंजिन्स इंजीनियरिंग का एक ऐसा उदाहरण है जिसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में काफ़ी कुछ बदला है। कन्वेंशनल इंजिन्स के मुकाबले इस इंजन में आपको परफॉर्मेंस और माइलेज दोनों का अच्छा मिश्रण मिलता है। जो अन्य गाड़ियाँ आपको 15 से 20 तक की माइलेज देती हैं, वही हाइब्रिड इंजन से आप 27 से 30 तक की माइलेज निकाल सकते हैं। चलिए इन इंजिन्स की वर्किंग जानते हैं। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक और आईसी इंजन का हाइब्रिड सिस्टम जानेंगे जो ज्यादातर गाड़ियाँ जैसे ग्रैंड विटारा में उपयोग करते हैं। हाइब्रिड इंजन कुछ इस तरह का दिखता है, लेकिन जितना आसान ये सिस्टम आपको दिख रहा है उतना ये है नहीं। इसमें पहले तो आता है आईसी इंजन जो मैक्सिमम 1500 सीसी या 1.5 लीटर का रहता है। इस साइड लगा रहता है मोटर जो कॉम्पैक्ट होने के साथ ही पावरफुल रहता है। जनरेटर इंजन से उत्पन्न पावर को कन्वर्ट करता है जिससे मोटर को चलाया जाता है और ये बैटरी को भी चार्ज करता है। यहाँ एक बात जाने कि हाइब्रिड सिस्टम में बैटरी को चार्जिंग करने के लिए कोई एक्सटर्नल पोर्ट नहीं दिया रहता है, तो फिर बैटरी कैसे चार्ज होती है इसे हम आगे वीडियो में जानेंगे। मोटर को इंजन से जोड़ने और सेपरेट करने के लिए पावर स्प्लिट डिवाइस का उपयोग किया जाता है। ये CVT जैसा ही रहता है जो ड्राइविंग कंडीशन को देखते हुए इलेक्ट्रिक या फिर मैकेनिकल पावर टायर्स तक पहुंचाता है। लेकिन पावर स्प्लिट डिवाइस को ये कैसे पता चलता है कि गाड़ी कौन से कंडीशन में चलाई जा रही है, ये जानकारी उसे पावर कंट्रोल यूनिट से मिलती है। ये यूनिट ही हाइब्रिड सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है जिसे हमें अच्छी माइलेज और ड्राइविंग एक्सपीरियंस मिलता है। चलिए हम गाड़ी को चलाते हैं और देखते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी घोषणा करना चाहूँगा कि आपके अपने चैनल पे 5000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 10000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होने पे एक ट्यूटोरियल सीरीज रिलीज की जाएगी जिसमें आपको एनिमेटेड वीडियोस कैसे बनाते हैं इसके बारे में डिटेल सीखने को मिलेगा, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। हाइब्रिड सिस्टम का पावर ट्रेन कुछ ऐसा दिखता है। जब आपकी गाड़ी स्टार्ट होती है तब इलेक्ट्रिकल सिस्टम काम में आता है और आपकी गाड़ी मोटर से ही चलाई जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होते हो या फिर आपकी गाड़ी कम स्पीड पे चल रही होती है, जैसे कि कहिए कि ट्रैफिक में, तब आपका इंजन ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करता है। अब जब आप ज्यादा एक्सेलरेट करते हैं तब इंजन का पावर कंट्रोल यूनिट इसे सेंस करता है और हाइब्रिड मोड को चालू कर देता है, यानी कि गाड़ी इंजन और मोटर दोनों से ही चलती है। इसी हाइब्रिड अरेंजमेंट के चलते आपको बढ़िया माइलेज मिलती है। कार में EV मोड का भी ऑप्शन रहता है जिसमें गाड़ी कंप्लीट इलेक्ट्रिकल सिस्टम पे चलती है। इस बटन को दबाते ही गाड़ी का इंजन बंद होता है और बैटरी से पावर को लिया जाता है। अब सोचिए कि आपकी बैटरी कम्प्लीटली ड्रेन हो गई है। ऐसे में ईवी मोड में चलने के लिए गाड़ी के इंजन का उपयोग किया जाता है। इंजन को जनरेटर से कनेक्ट किया जाता है जो इंजन के मैकेनिकल पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करके मोटर को चलाता है। साथ ही साथ इंजन के थोड़े आउटपुट पावर से बैटरी को भी चार्ज किया जाता है। बैटरी को चार्ज करने के लिए एक और टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं जिसे कहते हैं रीजनरेटिव ब्रेकिंग। इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। गाड़ी चलते वक्त हम न्यूट्रल गियर में बहुत बार डालते ही है, साथ ही साथ अगर ढलान आई तो हम एक्सेलरेट करना भी छोड़ देते हैं। अगर रास्ते में सामने कोई आ जाता है तो हम जोर से ब्रेक्स अप्लाई करते हैं। इन सभी केसेस में आप देखोगे कि गाड़ी को हम एक्सेलरेट तो नहीं करते हैं पर उसके चारों पहिए घूमते रहते हैं। और हम ये जानते हैं कि एवरी रोटेटिंग ऑब्जेक्ट इज अ जनरेटर, तो बस इसी एनर्जी को टैप करके बैटरी में स्टोर किया जाता है। हालांकि ये एनर्जी बहुत कम मात्रा में स्टोर होती है, लेकिन बूंद बूंद से सागर भी तो बनता है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला हो। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में भी अपने व्यूज शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।